नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर आपका। मसूरी के मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर आ चुका हूं, जिसका नाम है केम्प्टी फॉल, जो कि नीचे आप देख सकते हैं केम्प्टी फॉल का सुंदर नज़ारा। तो अभी दोस्तों हम नीचे रोपवे के माध्यम से नीचे चलेंगे। रोपवे का टिकट है 200 रुपये, जिसमें अप डाउन दोनों कराया जाएगा। बाकी आप पैदल भी जा सकते हैं नीचे, पैदल जाने का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। तो मसूरी में हूँ, मसूरी के पर्यटन को एक्सप्लोर करने के लिए आ चुका हूँ दोस्तों। तो चले जी दोस्तों, देर न करते हुए हम सीधे नीचे पहुँचते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं केम्प्टी फॉल के मेन व्यू पॉइंट पर। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। यह मसूरी का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, जिसका नाम है दोस्तों केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल और मसूरी दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। जब भी मसूरी का नाम आता है तो केम्प्टी फॉल, केम्प्टी फॉल कहें तो मसूरी, मसूरी कहें तो केम्प्टी फॉल, कुछ इस प्रकार का रिलेशन है दोस्तों केम्प्टी फॉल और मसूरी के बीच में। दोस्तों मसूरी में आ चुका हूँ, मसूरी के पर्यटन को एक्सप्लोर करने। इससे पहले लगभग 11 से 12 टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर चुका हूँ मसूरी के अंदर, और अभी आ चुका हूँ केम्प्टी फॉल को एक्सप्लोर करने, जो कि मसूरी का नंबर वन टूरिस्ट प्लेस है। अगर मसूरी के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो नंबर वन पे केम्प्टी फॉल आता है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ठंड का टाइम है, मिड नवंबर का टाइम चल रहा है, नहीं तो दोस्तों गर्मियों का टाइम होता ना तो ये जो एक छोटा सा स्विमिंग पूल, छोटा तो नहीं ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये जो स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है दोस्तों, इसमें लोग नहाने का आनंद लेते हैं, घंटों तक इसमें नहाते रहते हैं दोस्तों, इस ठंडे झरने के पानी में दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और ऐसी व्यू पॉइंट पर खड़ा हूँ ना मैं, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से आ रहा है केम्प्टी फॉल का। ओहो, बहुत ठंडक है दोस्तों, और झरने के पानी की जो बूंदें हैं ना, फव्वारे, वो दोस्तों बिल्कुल यहाँ तक आ रहे हैं मेरे पास तक। और विंटर का टाइम चल रहा है, मिड नवंबर का टाइम, इस टाइम आया हूँ दोस्तों मसूरी को एक्सप्लोर करने। अगर गर्मी का दिन होता ना दोस्तों, गर्मी का टाइम जब होता है लगभग अप्रैल मई जून, उस टाइम मसूरी एक ऐसा हिल स्टेशन बन जाता है, एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस, एक ऐसा पर्यटक स्थल बन जाता है कि यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक लग जाता है पर्यटकों का। लेकिन इस टाइम क्या है, थोड़े पर्यटक कम है, थोड़े क्या बहुत कम है दोस्तों, इस टाइम सीज़न लगभग ऑफ होता है, और दिसंबर से तो बिल्कुल ही सीज़न ऑफ हो जाता है, क्योंकि बर्फ़बारी होने लगती है पहाड़ों में।
लेकिन ऐसे टाइम पे आया हुआ हूँ दोस्तों कि इस टाइम अगर आप मसूरी का टूर करेंगे तो बिल्कुल बजट वाला टूर होने वाला है, बिल्कुल सस्ता और सबसे अच्छा। रूम भी सस्ते मिल जाएंगे और यहाँ पे घूमने के लिए जो सबसे बढ़िया विकल्प होता होता है स्कूटी रेंट पे लेना, वो भी आपको 400 से 500 रुपए में मिल जाएगी रेंट पर स्कूटी, और रूम 400 से 500 में रूम मिल जाएंगे दोस्तों। जो बहुत लग्जरियस रूम होंगे वही आपको 1000-1500 में मिलेंगे। शानदार व्यू है कैंपटी वाटरफॉल का, जो कि मसूरी का मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बोटिंग और स्विमिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैं जब रोपवे से आ रहा था तो उस टाइम आपको मैंने ऊपर से दिखाया व्यू, आगे जो है सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे स्विमिंग पूल बनाए गए हैं जिसके अंदर आप बोटिंग और स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं, और वो देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक एडवेंचरस एक्टिविटी है दोस्तों। चले दोस्तों अभी मैं आपको वो वाली लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पर आप बोटिंग और स्विमिंग का एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। दिखा देता हूँ और भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाती हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो है कैंपटी वाटरफॉल को दिखा दिया है। तो यही वो जगह है दोस्तों, कैंपटी फॉल के जस्ट बगल में है, और यहाँ पर आप जो है बोटिंग और स्विमिंग एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री रुपीज़ 20। चले जी दोस्तों दिखाते हैं आपको, बड़ा ही सुंदर व्यू मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी नज़ारे पसंद आ रहे होंगे। ये देखें जी, एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया गया है तालाब, इसमें लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 20 रुपये एंट्री फ़ीस है, इसके अलावा अगर आप बोटिंग करेंगे स्विमिंग करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों। ये देखें कितना सुंदर बनाया गया है दोस्तों, चारों तरफ सुंदर पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, और ये पूरा एक तरह से कंप्लीट टूर पैकेज है दोस्तों। यहाँ पर फुल इंजॉय है, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग बोटिंग और यहाँ पर मैंने दिखाया आपको एयर राइडिंग भी लोग कर रहे हैं, और वो देख सकते हैं एडवेंचरस एक्टिविटी है, एयर राइडिंग बोलते हैं उसे या फिर फ्लाई इन द एयर जो भी बोलते हैं करवाया जाता है। यहाँ आने के लिए आप रोपवे से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। रोपवे का चार्ज मैंने ऑलरेडी बता दिया, 200 रुपये अप डाउन दोनों का। और खूबसूरत वो देखें नीचे जो तालाब है, बिल्कुल हरे रंग का दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आप कैंपटी फॉल आते हैं तो इन सारी एक्टिविटीज़ को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। पानी में बत्तख भी हैं दोस्तों, ये देखें, बिल्कुल एक नेचुरल व्यू देने का प्रयास किया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लोर किया कैंपटी वाटरफॉल, जो कि मसूरी का नंबर वन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विंटर्स के टाइम में आया हूँ मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए, मसूरी के सारे वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए और नए वीडियोज़ का आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल पर फुल टूर गाइड की वीडियोज़ भी आती हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, सारे टूरिस्ट प्लेसेस को अलग से डिटेल्ड वीडियो बना करके उनको एक्सप्लोर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों सारी वीडियोस को मिला करके जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी एक कंबाइंड वीडियो बनाता हूँ टूर गाइड की, जिसमें मैं बताता हूँ कि कब कैसे कहाँ आना चाहिए, कब कहाँ कैसे सस्ते और अच्छे जगह पर रुक करके टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो को अब करते हैं समाप्त, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। जय हिंद, जय भारत।